आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ करवा चौथ स्पेशल थाली। करवा चौथ हर लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा खास दिन होता है। सभी लेडीज़ अपने हस्बैंड के लिए व्रत रखती हैं और उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हैं। मैंने भी कुछ चीज़ें तैयार की हैं, ज़्यादा कुछ तो तैयार नहीं किया है, पर आई एम श्योर जितना तैयार किया है आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और बहुत ही अच्छी लगेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। करवा चौथ स्पेशल थाली में सबसे पहले हम मूंग दाल हलवा बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक कप मूंग दाल को 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया है, ये फूल गई है। अब मैंने यहाँ एक छलनी ली है, उसमें से हम जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लेंगे और दाल को हम पीस लेंगे। इसको हमने बारीक नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा रखना है। तो अब मैंने यहाँ एक कढ़ाई ली है और उसमें मैं एक कप यहाँ घी डाल रही हूँ। एक कप हमने दाल ली है तो एक कप ही घी लगेगा। और यहाँ मैंने एक छोटा चम्मच बेसन लिया है, वो डाल लेते हैं। और एक चम्मच ही मैंने यहाँ सूजी लिया है। अब आप पूछेंगे कि सूजी और बेसन क्यों लिया है, तो सूजी और बेसन डालने से जब हम दाल को पकाएंगे तो वो चिपकेगी बिल्कुल भी नहीं। अब जो हमने दाल पीस के रखी है वो डाल लेते हैं और दाल को लगातार चलाते हुए हमें लो फ्लेम पर पकाना है और दाल को करीब करीब 20 से 25 मिनट तक हमें लगातार चलाते हुए पका लेना है। बहुत ही जल्दी देखेंगे कि दाल अच्छे से सारा घी पी जाएगी। देखिए सारा घी एकदम ख़त्म हो गया है, पूरा दाल ने पी लिया है। तो हमें लो फ्लेम पर इसको चलाते हुए अच्छे से पका लेना है। देखिए इसको पकाते हुए करीब करीब 15 मिनट हो गए हैं और देखिए आप को लग रहा है बिल्कुल खिली खिली ये हो गई है। अब हम इसके लिए चाशनी तैयार करेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ मैंने 3/4 कप चीनी ली है और 1/2 कप मैंने यहाँ पानी लिया है। तो इसकी हम चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए हमें कोई तार नहीं चाहिए, हल्की सी चिपचिपी हमारी चाशनी हो, बस ऐसी ही हमें चाशनी तैयार करनी है। चाशनी में उबाल आ गया है, अब मैं यहाँ 1/4 छोटी चम्मच इलायची पाउडर और 10 से 12 मैंने यहाँ केसर के धागे डाले हैं। केसर के धागे बिल्कुल ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास हैं या आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। देखिए चेक कर लेते हैं, चाशनी बिल्कुल अच्छी चाशनी बनकर तैयार हुई है, हल्की चिपचिपी है, ये ऐसी चाशनी ही हमें चाहिए। तो अब गैस को हम बंद कर देंगे और दाल को चेक कर लेते हैं। देखिए दाल को पकाते हुए करीब करीब 20 से 25 मिनट हो गए हैं और इसने घी भी छोड़ दिया है अच्छे से, और देखिए कलर भी बहुत ही प्यारा आया है। अब जो चाशनी बनाई है हम वो डाल लेते हैं। चाशनी आप बिल्कुल ध्यान से डालना, क्योंकि जब हम चाशनी मिलाते हैं तो वो हल्की सी दाल उछलती है, तो हम ध्यान से बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करके हम चाशनी इसमें मिक्स करेंगे और इसको चलाते हुए ही चाशनी को हमें इसमें मिलाना है। तो चलिए जो चाशनी बच गई है उसे भी हम मिला लेते हैं और चलाते हुए इसको पकाएंगे और करीब करीब यहाँ हमें 8 से 10 मिनट और अच्छे से दाल को पकाना है। अब मैंने यहाँ बारीक कटे हुए काजू, बादाम और पिस्ता लिए हैं, डाल लेते हैं। थोड़े से मैं गार्निश के लिए रख लेती हूँ। इसको भी हम अच्छे से मिलाएंगे और करीब करीब हम 3 से 4 मिनट इसको और अच्छे से पका लेंगे। 3 से 4 मिनट हो गई है, देखिए आप देख पा रहे होंगे एकदम शाइनिंग इसमें है और बहुत ही अच्छा ये बनकर तैयार हुआ है, हलवा बिल्कुल रेडी है। तो अब हम रायता बना लेते हैं। रायता बनाने के लिए यहाँ मैंने दही ली है, दही में हल्का सा मैंने पानी डाल लिया है, आप चाहें तो दही में भी बना सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच हम इसमें काला नमक डाल लेंगे और 1/2 छोटी चम्मच ही मैंने यहाँ जीरा पाउडर लिया है, वो डाल लेते हैं। भुना हुआ जीरा है, तवे पे मैंने जीरे को भून लिया है और उसको हल्का सा क्रश कर लिया है, तो मिला देंगे। 1/4 छोटी चम्मच मैंने यहाँ लाल मिर्च ली है, आप चाहें तो यहाँ हरी मिर्च भी ले सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने यहाँ बूंदी ली है, तो बूंदी को मैंने हल्के से गर्म पानी में भिगो लिया है, आप चाहें तो बूंदी को ऐसे ही डायरेक्ट आप दही में डाल सकते हैं, पर मैंने इसको हल्का सा भिगो लिया है जिससे ये सॉफ्ट हो जाएंगी।
अब इनको निचोड़ लेंगे हम, इनका पानी अलग कर लेंगे और फिर हम दही में डाल देंगे। देखिए दही में डाल लिए मैंने बूंदी, अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ मैंने एक चौथाई छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है। काली मिर्च बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है रायते में। तो ये बनकर तैयार है, अब हम इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब मैं यहाँ पूरी के लिए आटा लगाऊंगी, उसके लिए 3 कप मैंने आटा लिया है और 2 चम्मच मैंने यहाँ तेल लिए हैं। तेल डाल लेते हैं, तेल डालने से हमारी पूरी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। और 1/2 छोटी चम्मच मैंने यहाँ नमक डाल लिया है, मिला लेते हैं अच्छे से। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका आटा लगाएंगे। नॉर्मल जैसे पूरी का आटा लगाते हैं हम, वैसे ही आटा लगाएंगे, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम। तो चलिए हम आटा लगा लेते हैं अच्छे से। आटा लगाकर मैंने तैयार कर लिया है, अब इसे हम सेट होने के लिए 20 से 25 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। तब तक हम सब्जी बना लेते हैं। आज मैं पनीर मसाला बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। उसमें 1/2 छोटी चम्मच हम नमक डाल देंगे, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी और 1/2 छोटी चम्मच ही मैंने यहाँ लाल मिर्च पाउडर ली है। पनीर पे अच्छे से मसाले हम कोट कर लेंगे, अच्छे से मिला देंगे इसे। और अब मैंने यहाँ एक पैन लिया है, पैन में 2 बड़े चम्मच मैं यहाँ देसी घी डाल रही हूँ और पनीर के टुकड़े हम इसमें अच्छे से डालकर फ्राई कर लेंगे। पनीर के टुकड़े हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करने हैं, नहीं तो वो कड़क कड़क और बिल्कुल सोगी से हो जाएंगे, अच्छे नहीं लगेंगे बिल्कुल भी। तो 1 से 2 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, लो फ्लेम पर ही मैंने फ्राई करेंगे। तो चलिए फ्राई हो गए हैं, हल्का हल्का इनका कलर चेंज हो गया है। ऐसा करने से हमारी जो पनीर मसाला बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो इसे रख देते हैं साइड में। अब मैंने कढ़ाई ली है और उसमें 2 बड़े चम्मच मैंने तेल डाल लिए हैं और 1 चम्मच मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ। तेल और घी का कॉम्बिनेशन अगर हम करेंगे, इसको मिक्स करके हम डालेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अब 1/2 छोटी चम्मच इसमें जीरा डाल लेंगे और कुछ खड़े मसाले। 1/2 छोटी चम्मच मैंने यहाँ खड़ा धनिया लिया है, उसे क्रश कर लिया है। 2 यहाँ लौंग, 3 मैंने इलायची ली हैं, 4 मैंने यहाँ सूखी लाल मिर्च ली हैं, 1 तेज़पत्ता और 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है। खड़े मसालों से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, एक खड़े मसालों का बहुत ही अच्छा जो फ्लेवर होता है वो आएगा। तो चलिए इन्हें हम अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ मैंने 2 प्याज लिए हैं जिसको बारीक कट कर लिया है। जब भी हम पनीर मसाला बनाते हैं तो उसमें बारीक कट करके हम प्याज डालते हैं। आप चाहें तो इसको मिक्सी में चलाकर इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन अगर बारीक कट करके बनाएंगे तो हल्की सी ग्रेवी में जो बाइट आएगी ना, उसमें बहुत ही अच्छा आपको वो टेस्टी लगेगा। तो चलिए प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। प्याज को अच्छे से भूनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब 1 बड़ा चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। यहाँ मसाले पकाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो चलिए मसाले डाल लेते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच यहाँ मैंने जीरा पाउडर लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसे अच्छे से मिला लेंगे। मसालों को अच्छे से पकाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमारी ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब मैंने यहाँ 1 से 2 चम्मच बेसन लिया है। बेसन को अच्छे से मिलाना है। आप कभी भी जैसे ढाबे में या रेस्टोरेंट में कभी खाने गए हो खाना, तो पनीर मसाले में थोड़ा सा बेसन वो ऐड करते हैं, जिससे ग्रेवी थिक बनती है। अब मैंने यहाँ 3 टमाटर लिए हैं और उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, यानी कि ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो मिक्सी में चलाकर उसकी प्यूरी भी बना सकते हैं, लेकिन ग्रेट करने से उसमें हल्की सी बाइट आएगी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है लगेगी। अब मैंने यहाँ 3 मिर्च ली हैं,
हरी मिर्च ली है जिसको लंबा लंबा काट लिया है, तो वो डाल लेते हैं। आप देख पा रहे हो कि ग्रेवी बहुत ही अच्छी, एकदम हल्की सी इसमें बाइट है, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लग रही है। अब मैंने इसमें हल्का सा पानी डाल लिया है, इसे 1 से 2 मिनट पका लेंगे अच्छे से। अब मैंने यहाँ आधी छोटी चम्मच नमक लिया है, नमक डाल लेते हैं। नमक हम ध्यान से डालेंगे क्योंकि पनीर में भी हमने हल्का सा नमक डाल लिया था। अब मैंने यहाँ आधा कप दही ली है। दही डालते टाइम हमें ध्यान रखना है कि इसको, दही को डालते ही तुरंत हमें लगातार चलाते रहना है, तो ग्रेवी को हम लगातार चलाते रहेंगे जिससे दही फटने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। और एक ख़ास बात और, हमने इसमें बेसन डाला है तो बेसन डालने से दही बिल्कुल भी फटेगी नहीं। तो आप जब भी कोई ग्रेवी बनाएं तो 1 से 2 चम्मच आप उसमें बेसन ज़रूर ऐड करें, तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा और बहुत ही अच्छे इसमें टेस्ट। तो इसको ढककर 5 से 6 मिनट पका लेंगे। 5 से 6 मिनट हो गए हैं, देखिए ग्रेवी ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है और बहुत ही अच्छी लग रही है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल, जैसे हम ढाबे में खाते हैं बिल्कुल ऐसी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हमारी ग्रेवी बनी है, एकदम परफेक्ट इसका टेक्सचर है, आप देख पा रहे हैं, और कलर भी एकदम बिल्कुल परफेक्ट इसका कलर आया है। देखिए ऐसे आप ग्रेवी बनाएंगे। ये ग्रेवी कई सब्जियों में आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी ली है जिसको तवे पे भून लिया मैंने, इसको हाथों से क्रश करके हम डाल देंगे, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी। मिला देंगे इसको अच्छे से। अब मैंने यहाँ 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला लिया है, ये डाल देते हैं। और अब जो हमने पनीर रखा था फ्राई करके वो डाल लेते हैं। देखिए पनीर के टुकड़े, इसका कलर आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा आया है, ग्रेवी में हम मिला देते हैं, अच्छे से मिलाएंगे। आप चाहें तो ग्रेवी को थोड़ा पतला या गाढ़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे भी आपको पतली या गाढ़ी ग्रेवी चाहिए तो आप उसी के हिसाब से इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ कटा हुआ हरा धनिया लिया है, ये डाल देते हैं, अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। अब आटा चेक करेंगे, देखिए आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे हम 1 से 2 मिनट अच्छे से मसल लेंगे, और इस जितनी बड़ी हमने पूरी बनानी है उसके हिसाब से हम लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए पूरी को बेल लेते हैं अच्छे से। पूरी को किनारे से बेलना है, जैसे नॉर्मल पूरी बनाते हैं बिल्कुल ऐसे ही पूरी बनाएंगे। देखिए इतनी पतली, जैसे हम रोटियां बनाते हैं या पूरी बनाते हैं बिल्कुल इतनी पतली हमें पूरी बेलनी है। चलिए और बेल लेते हैं। इसको किनारे से बेलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एक जैसी होनी चाहिए। चलिए फ्राई कर लेते हैं, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। हल्का सा डो डाल के देख लेते हैं हम, देखिए एकदम से ऊपर उठ के आ रहा है, तो यानी कि तेल अच्छे से गर्म है। पूरियां हम तल लेते हैं और हल्का सा कलछी से दबाते हुए हम पूरियों को फ्राई कर लेंगे अच्छे से, जिससे बहुत ही अच्छे से फूल जाएंगी। देखिए अच्छे से फूल रही हैं दोनों तरफ से, हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई करना है। और डाल लेते हैं और इसको हल्का सा डालते ही दबाएंगे तो ये अच्छे से फूली फूली बनकर तैयार होंगी। दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। निकाल लेते हैं, ऐसे ही हम सारी पूरियां बनाकर तैयार कर लेंगे।
देखिए थाली मैंने तैयार कर ली है, बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लग रही है। आप भी ऐसी थाली बना सकते हैं, इस करवा चौथ पर आप भी अपने हस्बैंड के लिए कुछ स्पेशल कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा कुछ तो बनाया नहीं है, पर जो भी कुछ बनाया है बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए। आप भी ऐसे बना सकते हैं, तो चलिए बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ढेर सारी लाइक कर सकते हैं आप, और अपने फैमिली में, फ्रेंड में या सोशल साइट पे आप इसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।